तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल गॉड गेमर्स इन्फो में एक नया फ्रेश और यूनिक वीडियो के साथ। और आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि कैसे आप लॉन्ग रेंज गन यानी कि स्कार M4A1 और एक कैसे जंप ड्रग हेडशॉट मार सकते हैं लाइक वन टैप की तरह, जैसे कि हमारे लेजेंड्स मारते हैं BNL, विंसेंजो, ऐसे ही बड़े बड़े यूट्यूबर जो मारते हैं ऐसे ही एकदम सिंपली। हम लोग बहुत एकदम इजी ट्रिक बताने वाले हैं, वीडियो को एकदम एंड तक देखो। तो ये इंट्रो है, गजल नहीं, सारी बात थोड़ी नहीं इधर बताऊंगा। फिर क्या कर रहा है, लगा ना इंट्रो। दो पॉइंट्स में जाने से पहले हम बता देना चाहते हैं कि हम एक सीरीज चालू कर चुके हैं जो वन टैप या फिर जो है ड्रग जो हेड शॉट, ये हम सीरीज चालू कर चुके हैं। और ये सब हम दिखा रहे हैं कि ट्रेनिंग मोड में या फिर कुछ TDM में या फिर क्लास कोड में। तो ये जो है हम बहुत जल्द एक सीरीज लाने वाले हैं कि इसी के ऊपर कि कैसे आप रैंक मोड में जो है कौन सी सिचुएशन में और कैसे आप मार सकते हो, इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हो, बहुत जल्द हम लाने वाले हैं। और एक बात, रिसेंटली हमने एक वीडियो अपलोड किया कि सेट अप हेड शॉट, जो सेट अप हेड शॉट में एक कमेंट आया था कि ड्रग बेस्ड है या फिर जो है हमारा सेटअप ऑटो हेड शॉट बेस्ड है। तो उसमें एक कमेंट आया था कि भैया कौन सा बेस्ट है, कि ड्रग है या फिर ऑटो हेडशॉट बेस्ट है। तो हम जो है देखो दोनों ही सेम बेस्ट है, लेकिन अगर एनिमी स्टिल खड़ा होता है तो सीटअप बेस्ट है, अगर एनिमी मूवमेंट कर रहा है तो ड्रग बेस्ट है। तो ऐसे ही कमेंट करते रहो, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए पॉइंट्स में आते हैं, पॉइंट्स में ध्यान देते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो आते हैं हमारे पहले नंबर टिप्स है जो कि है सेट योर एम पोजिशन, मतलब कि आपका एम पोजिशन आप किधर रखोगे और क्यों रखोगे। तो ज़्यादातर हमारे पास होता है कि लोएस्ट डिवाइस होता है, जैसे कि 3GB रैम मोबाइल, 4GB रैम मोबाइल, 2GB रैम मोबाइल। तो इससे क्या होता है कि आप जब ड्रग कर रहे हो, मतलब कि आपका एम पोजिशन आप जब एनिमी के नीचे रख के जब ड्रग कर रहे हो, तो कभी कभार होता है कि जो है चेस्ट में जाके अटक जाता है। तो आपको क्या करना होगा, जो आपका जो एम पोजिशन है, आपका एम पोजिशन एकदम सीधा एनिमी के ठीक नीचे रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, एकदम जाके आसानी से हेड लगेगा। और अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर करते हो एम पोजिशन, तो आपका क्या होगा, जो चेस्ट में जाके अटक जाएगा। और एक पॉइंट जो है, इसके लिए कोई हाई FPS नहीं लगेगा, ये आप स्टैंडर्ड मोड में भी कर सकते हो, और इसके लिए कोई DPI की भी ज़रूरत नहीं है। तो एकदम आपका जो है एम पोजिशन ठीक एनिमी के नीचे रखो, फिर राइट फायर बटन यूज़ करके ड्रग करो, देखो एकदम जाके परफेक्टली आपको हेड लगेगा। अब आते हैं हमारे सेकंड नंबर टिप्स पे जो कि है यूज़ लेफ्ट एनालॉग बटन, मतलब कि आपका लेफ्ट एनालॉग बटन आप कैसे यूज़ करोगे और क्यों यूज़ करोगे। तो लेफ्ट एनालॉग बटन के यूज़ आप कैसे करोगे, कि जब आपका एनिमी बाई ओर से आ रहा है तो आपको ध्यान रखना होगा कि लेफ्ट एनालॉग बटन डाई ओर लेके जाए, और आपका एनिमी अगर डाई ओर से आ रहा है तो आपका लेफ्ट एनालॉग बटन लेफ्ट की ओर यानी कि बाई ओर होना चाहिए। और कभी कभार होता है कि एनिमी सामने से भी आ जाता है बाई चांस, तो क्या होता है, तब आपको क्या करना होगा, जो लेफ्ट एनालॉग बटन है नीचे स्क्रोल करके लेके आना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका मूवमेंट स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगा, एकदम आसानी से आप हेड शॉट भी मार सकते हो और एकदम स्मूथ आप जो है लॉन्ग रेंज गन चला सकते हो। लेट्स कम टू अवर थर्ड मेन एंड यूनिक टिप जो है देन ड्रग अप, मतलब कि आप कैसे ड्रग करोगे, कि आपका एम पोजिशन एनिमी के ठीक नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, जो जब आप जंप करोगे तो तब आपका जो पहला पैर है नीचे आने के साथ साथ एकदम जाके आपको ड्रग करना है। इससे क्या होगा, एकदम जाके परफेक्ट हेड लगेगा। एकदम ध्यान से सुनिए, जब आप जंप कर रहे हो तो जब आप नीचे आ रहे हो और आपका पहला पैर जब नीचे आ रहा है, तभी आपको जाके क्या करना है, सीधा राइट फायर बटन यूज़ करके आपको ड्रग करना है। इससे क्या होगा, एकदम जाके परफेक्टली आपको जंप ड्रग लगेगा। लेट्स लुक आउट एक्सप्लेनेशन, इसमें हम बताएंगे कि अब तक हमने जो जो पॉइंट्स बताए उसको हम डिटेल्स में फिर से और एक बार बताएंगे। आपको क्या करना होगा, पहले आपको फोकस करना होगा जो रेड डॉट यानी कि एम पोजीशन के ऊपर। आपका एम पोजीशन एनिमी के ठीक नीचे लाने के बाद आपका लेफ्ट एनालॉग बटन यूज़ करना पड़ेगा, जो है नूब वर्क करना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, जो जंप करके जब आप नीचे आ रहे हो तब आपका पहला पैर जब नीचे आ रहा है, फिर आपको क्या करना होगा, राइट फायर बटन यूज़ करके सीधा ड्रग करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, एकदम जाके परफेक्टली एनिमी को एकदम वन टैप लगेगा यानी कि हेड लगेगा।
तो बहुत से मेंबर हम लोग कमेंट करते हो कि भैया नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो एक बात देखो यार, दो तीन दिन में कोई भी चीज़ नहीं होता या फिर कोई भी काम आसान नहीं होता है। बहुत दिन से हम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो हम भी बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब जाके हम लोगों को ये परफेक्ट हुआ है। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करो, अगर फिर नहीं हुआ तो फिर हम लोगों को कमेंट में बताओ कि नहीं हो रहा है, तो हम इसका इससे भी आसान तरीका हम निकालेंगे। आप लोग अगर कमेंट करोगे तो आप लोगों का कमेंट हम लोगों के लिए मोटिवेशन है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ 1 लाइक कर देना। आप लोगों का 1 लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिव करता है, बहुत सारा प्यार है। तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा ये वीडियो। और प्लीज़ गाइस, वीडियो को शेयर करो जितने हो सके, अपने मम्मी डैडी पापा भाई के चैनल से सब्सक्राइब कर दो हम लोगों को, और पास में जो है बेल आइकन क्लिक कर देना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, इसके बाद है छोटा सा एक मॉन्टेज, मॉन्टेज का आनंद उठाओ। तब तक के लिए सायोनारा। I don't wanna see nobody fall apart. Even though you told me take it back your heart, I still spin inside your orbit. Yeah. You say that I should probably start to walk away. I'm hoping that you stop and make me have to stay, 'cause I'm floating in your orbit. Yeah, I'm stuck in your space. Just my luck, but the only way you understand, there's nothing left to say. Pull me back, take my hand, call my name. You understand, I wanna stay, 'cause I don't wanna walk away, 'cause I don't wanna walk away. Take it back your heart, still spinning inside your orbit. Yeah. I should probably start to walk away. I'm hoping that you still make me have to stay, 'cause I'm floating in your orbit. Arriba